Hey everyone, so here I am with my son's birthday vlog. यहाँ मैं शेयर कर रही हूँ अपने बेटे के फर्स्ट बर्थडे से लेकर 10th बर्थडे तक की पिक्स, स्पेशली जो उसके केक्स थे. मेरी हमेशा से कोशिश यही रही कि उसके हर बर्थडे की केक की जो थीम है वो अलग रहे, और कोशिश ये भी रहती थी कि जो फ्लेवर हैं स्पेशली वो भी हर बार अलग रहें. और धीरे धीरे मेरा रुझान भी जो है वो बेकिंग की तरफ काफ़ी ज़्यादा होने लगा, और आज की डेट में मैं मैक्सिमम ओकेजन्स पे खुद जो है केक बेक करती हूँ. सो हियर वी हैव लॉट्स ऑफ मेमोरीज, अ कलेक्शन ऑफ मेमोरीज, एंड दिस वन इज स्पेशल. जो इसका 5th बर्थडे था वो स्पेशल था क्योंकि हमने ये बर्थडे स्पेशल बच्चों के साथ सेलिब्रेट किया था, एंड इट वॉज एन ऑसम एक्सपीरियंस. और धीरे धीरे करते करते कब बेटा 6 ईयर्स का हो गया, कब वो 7 ईयर्स का हो गया पता ही नहीं चला. एंड ये वाला केक भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, जो ये थीम थी जिराफ की, आई लव्ड इट. और ये देखिए कैसे अपने कज़न्स वगैरह के साथ मस्ती करते हुए. यहाँ पे रियाज के नानुआ नानी हैं. जो 8th बर्थडे की थीम थी उसमें हमने रेड वेलवेट केक बनाया था, एंड इसका टेस्ट बहुत ही यम था. एंड दिस 9th बर्थडे वॉज रियली वेरी स्पेशल टू अस, बिकॉज इस दिन जो था हम लोगों के जो नया घर था हम उसमें शिफ्ट हुए थे, और हमारे घर का हवन भी था. एंड रियाज हमारे लिए हमेशा से लकी रहा है, क्योंकि जब हमने पहले वाले फ्लोर पे भी शिफ्ट किया था तो हवन की डेट उसी के बर्थडे वाले दिन निकली थी. माय लकी चार्म, लव यू बेटा. एंड टेन ये है रियाज का 10th बर्थडे की शुरुआत. ओके, तो शुरुआत जो है हमने की थी पूजा से. सुबह पंडित जी आए थे और हमने इसका नवग्रह दान करवाया. बुधश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु. पूजा खत्म होने के बाद हम लोगों ने कुछ पिक्स क्लिक की. हिमाचल की शान जो है वो हिमाचल की टोपी से है, और जब भी हमारे यहाँ कोई भी फंक्शन होता है तो ये टोपी ज़रूर पहनी जाती है. ये मेरे बेटे की छोटी दादी हैं, ये भी इसे आशीर्वाद देने आए थे, और ये मैं और मेरा बेटा. ये लंच का इनविटेशन मुझे और मेरी फ्रेंड्स को मेरे मायके में था. मम्मा ने यहाँ पे हमें ट्रेडिशनल फूड सर्व किया, और इसकी रियाज की मासी ने बहुत ही यमी जो है चॉकलेट केक बनाया था. एज यू कैन सी कि ये कितना यमी लग रहा है. तो अब हम ये अपने घर पे हैं, और यहाँ आ गई है मेरी बच्चा पार्टी. हेलो, ब्यूटीज ऑफ सांबल. हाय रियाज. ये हमारी अनप्लान्ड पार्टी थी, क्योंकि ऐसा कुछ भी प्लान नहीं था कि हम शाम को घर जाके भी सेलिब्रेट करेंगे. तो बहुत ही शॉर्ट नोटिस में जो है हम लोगों ने सारी तैयारियां की. और ये देखिए मैं किचन में अपना कुकिंग स्किल दिखाती हुई. इस बार मैंने डिसाइड किया कि हम लोग जो बर्थडे जो पार्टी है वो घर के अंदर थ्रो नहीं करेंगे, हम लोग घर के बाहर करेंगे, क्योंकि मौसम भी बहुत बढ़िया था. और इस बार की जो थीम थी वो थी नेचर. सो बाहर हम लोग जो है नेचर से ज़्यादा कनेक्ट हुए, एंड इट वाज एन ऑसम एक्सपीरियंस. यू नो, हर चीज़ बहुत ही सुंदर दिख रही थी, इवन फोटोग्राफ्स में भी. और यहाँ पे देखिए एवरीवन वाज वेटिंग फॉर द शो स्टॉपर, दैट इज़ बर्थडे केक. सो हियर वी हैव
और बर्थडे केक ऑफ बर्थडे बॉय। केक भी बहुत डिलीशियस था और दिस पिक इज वन ऑफ माई फेवरेट। आई लव दिस पिक। माई सन इज एवरीथिंग टू मी। और यहाँ देखिए मासी का लाडला। और अब आप सुनेंगे बर्थडे सॉन्ग। हियर वी गो। थैंक यू बच्चा पार्टी इतने शॉर्ट नोटिस पे बर्थडे पार्टी में आने के लिए। लव यू ऑल एंड गॉड ब्लेस यू। यू मेड दिस डे सो स्पेशल विद योर प्रेजेंस। एंड हियर वी हैव सम पिक्स। त्यांश वॉज ईगरली वेटिंग फॉर दिस मोमेंट वेयर ही कैन ओपन हिज बर्थडे गिफ्ट्स एंड सी हिज एक्साइटमेंट। He liked his birthday gift too much। और इसी के साथ मैं रियांश के बर्थडे का व्लॉग यहीं ख़त्म कर रही हूँ। आई होप आपने ये व्लॉग इन्जॉय किया होगा। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ व्लॉग। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन बी सेफ एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। काइंडली लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। And don't forget to hit the bell icon for more updates. Lots of love from Homegrown.